दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम की चर्चा अब सिर्फ दिल्ली और देश में नहीं विदेश में भी हो रही है, और शायद यही वजह है कि दो दिनों के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आ रहे हैं तो 25 फरवरी की सुबह वो दिल्ली सरकार के एक स्कूल में भी उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने जाने की इच्छा जताई है, और इच्छा वजह जो है जाने की वो मुख्य वजह यही है कि वो देखना चाहती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम कैसे पढ़ाया जाता है, आखिर कैसे बच्चों को माइंडफुल किया जा रहा है। और यही जानने के लिए हम भी पहुंचे हैं दिल्ली सरकार के एक स्कूल में, और देखते हैं बच्चे हैं हमारे सामने, ये पांचवी के बच्चे हैं, इनसे इनके बीच हम इनसे पूछेंगे, जानेंगे, इनके शिक्षक से भी जानेंगे कि वो कैसे इन्हें पढ़ाते हैं, जो खुशियों की पाठशाला जो है वो यहाँ कैसे लगती है। तो सबसे पहले हम बच्चों के पास पहुंचे हैं, ये खुशियों की पाठशाला कैसे लगती है आप लोगों को, अच्छी लगती है? यस सर, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा लगता है, आप लोगों को फील कैसा होता है बाद में? बहुत अच्छा लगता है सर, माइंडफुलनेस करवाते तो अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मैं देख रहा हूँ क्लास भी बिल्कुल आपका सजा दजा है बिल्कुल। यस सर, हमें हैप्पीनेस बहुत अच्छी लगती है। आपने क्या सीखा उससे, आप लोगों ने क्या सीखा? तो सर, अगर हम दूसरों को परेशान करेंगे ना तो हम भी एक दिन परेशान होंगे। एक पहले मेरे में ना बहुत गंदी आदत थी कि मैं जब शादियों में खाना खाने जाता था तो वहाँ पे ज्यादा खाना लेता था, तो जब आधा खाता था और आधा फेंकता था, तो मैंने सर को बताया, तो फिर सर ने बोला कि बेटा कभी भी शादी में जाओ तो अपने हिसाब से खाना लो, जितना तुम्हें खाना है, बेफालतू का वेस्ट करने के लिए मत लो। बिल्कुल, ये आप लोग बिल्कुल आप ज्यादा खाना नहीं लेते हैं ना, जितना खाना है उतना ही लेते हैं। क्या आपको क्या अच्छा लगता है हैप्पीनेस में? जब मैं हैप्पीनेस करती हूँ तो मुझे माइंड मेरा फ्रेश हो जाता है। जब मैं पढ़ाई करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मेरी मैथ्स वीक थी, अब मेरी मैथ्स हैप्पीनेस करती हूँ, मुझे समझ आया कि मैथ्स में क्या है, और मैं हैप्पीनेस करती हूँ तो मेरा माइंड फ्रेश रहता है। बिल्कुल माइंड फ्रेश रहता है तो मैं अच्छे से समझती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने अमेरिका का नाम सुना है? यस सर। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और उनकी जो पत्नी है मेलानिया ट्रंप, उन्होंने कहा है कि वो हैप्पीनेस क्लास देखना चाहती हैं, वो आपके क्लास में आएंगी, तो क्या क्या कैसा लगेगा आप लोगों को? अच्छा। अच्छा, आप लोग चाहते हैं क्लास में आए? यस सर। देख सकते हैं कि कई बच्चों ने अलग अलग तरह की बातें बताई हैं, कहानियों से क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ फर्क आया, खाना बर्बाद नहीं करना है, इस तरह की चीजें जो एक व्यवहारिक जीवन में होती है, जो बचपन से ही बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, वो सिखाई जा रही है। सर, आप लोग ये अच्छा है या नहीं अच्छा, ये चीजें देख सकते हैं कि क्या अच्छा लगता है और क्या क्या इसका क्या मतलब है ये सर। हाँ, बच्चे के जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो उन्हें अच्छी लगती है लेकिन उसे करना उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, और कुछ ऐसी होती है जो उनको अच्छी नहीं लगती लेकिन उनके लिए बहुत जरूरी है। जैसे बच्चा दूध, बच्चों को किसी बच्चे को दूध अच्छा नहीं लगता लेकिन अगर वो दूध पिएगा तो उसकी बॉडी में प्रोटीन, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह की चीजें भी लगाई गई, यहाँ क्लासरूम में ऐसी चीजें लगती हैं, लेकिन हैप्पीनेस को लेकर के जो चीजें होनी चाहिए, बच्चों को स्टोरी सुनाने की बात हो या बच्चों को अलग अलग जो बड़े लोगों ने कोई बातें कही हैं उनके माध्यम से सीख देने की बात हो, उसके लिए एक बाकायदा करिकुलम बनाया गया और इच्छा जताई है। जाहिर है ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिका की प्रथम महिला क्या कुछ संदेश लेकर जाती है, लेकिन बच्चे तैयार हैं अमेरिका की प्रथम महिला को यहां से एक सुखद अनुभव देने के लिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन मुकेश चंद्रा के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए।